मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल के करीब 8.5 साल में 600 से अधिक नई योजनाएं शुरू की है और इसे पारदर्शी बनाने के लिए 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत भी की गई है। सरकार का दावा है कि गरीब से गरीब परिवार को अब घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये युग डिजिटलाइजेशन का है और जो इसके महत्व को समय रहते नहीं समझ सकेगा वो विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूट जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए हरियाणा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब किसी को भी अपने काम के लिए विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो किसान हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो। कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए एक क्लिक पर अपना बड़े से बड़ा काम करवा सकता है। इसके लिए हरियाणा में पिछले 8 सालों से 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि विरोधी चाहे जो कहें, हमें इस बात का गर्व है कि हमने गरीब से गरीब लोगों की आवाज सुनी है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की, आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है, हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पिछले 8 सालों से हरियाणा के हर व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुंच रही है और उसका समय रहते उचित समाधान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आज पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के सभी के काम हो रहे हैं। खासकर गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया, ये युवाओं की आवाज थी हमने सुनी। खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और खेल की तैयारियों के लिए पैसा पहले दिया, ये खिलाड़ियों की आवाज थी। किसानों को सीधे उनके खातों में पेमेंट दे दी, ये किसानों की आवाज थी। पेंशन घर बैठे बने, चक्कर न कटने पड़े, ये बुजुर्गों की आवाज थी। बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए और जो सच में पात्र है ये उसी को मिले, ये उन गरीबों की आवाज थी। ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े बल्कि एक सिस्टम के माध्यम से अपने आप ट्रांसफर हो, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज थी। हमने हर उस आवाज को सुना जो कहीं नहीं जा सकी है, जिसे दबा दिया जाता था, हमने उन सब की आवाजों को सुना है। हरियाणा युवा शक्ति वाला प्रदेश है, लिहाजा युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, प्रदेश के विकास में महिलाएं कैसे अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाएं, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो।
रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले 126 हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं। 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। युवाओं के जो खेल का एक फील्ड है इसमें भी हमने नई योजनाएं बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पूरे देश भर के लोग हरियाणा पंचकुला में ही आकर के उन्होंने खेला और अपना सिक्का जो है वो जमाया। 137 पदक जीत करके हरियाणा उसमें प्रथम रहा। इसी प्रकार हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक उसमें चयन होने के बाद तुरंत 5 लाख रुपया तैयारी के लिए ये दिया जाता है और एशियन पैरा एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए भी 2.5 लाख रुपया राशि चयन होने के तुरंत बाद तैयारी के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 हमने बनाए हैं कि जो मेडल लेकर के आते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने 550 पद ये नए सृजित किए हैं कि उनको मेडल लाते ही तुरंत उनको नौकरी दे दी जाए। इनमें से अभी हमने 204 खिलाड़ियों को ये नौकरी दे भी दी है। हरियाणा पिछले 8 सालों से मनोहर सफर पर है और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच का नतीजा है कि हरियाणा कई मामलों में देश के दूसरे कई राज्यों से खुद को आगे रखता है, जिसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं थकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश जनता को सुशासन का एहसास कराना है, एक ऐसी शासन व्यवस्था दिलाना है जिसमें हर किसी के लिए समानता हो, जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर किसी का काम हो, किसी भी छोटे बड़े काम के लिए विभागों और दलालों के चक्कर काटने की जरूरत महसूस ना हो, जिस शासन व्यवस्था में जनता घर बैठे अपनी शिकायतें और अपना सुझाव सरकार तक पहुंचा सके, शिकायतकर्ता को ये पता हो कि उसकी शिकायतों का निष्पादन किस रूप में हो रहा है, और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखकर सीएम विंडो की तर्ज पर जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल के कार्यकाल को अगर चंद अल्फाजों में समेटने की कोशिश करेंगे तो बेबाक अल्फाज, साफ गोई फितरत, न्याय प्रणाली में भरोसा, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, अवाम के बीच मनोहर लाल की यही पहचान है जो कि किसी भी दूसरे नेता से मनोहर लाल की छवि को अलग करती है। साल 2014 में सत्ता की चाबी मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवाम के हर उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की है जिससे प्रदेश की जनता दशकों से जूझ रही थी। मसलन पिछली सरकार में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके माध्यम से जनता सरकार से सीधा जुड़ाव महसूस कर सके। न्याय की आस में आवाम दर दर भटकने को मजबूर थी और कई बार क्षेत्रवाद और परिवारवाद न्याय व्यवस्था पर इतना भारी पड़ जाता था कि गरीब इंसान का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरा समय अच्छे दिन का संकेत देता है। साल 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने के तुरंत बाद 25 दिसंबर को फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो की शुरुआत की, जिसका बेहद सार्थक परिणाम देखने को मिला है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 11,06,899 शिकायतें सीएम विंडो पर मिली हैं, जिसमें 10,23,728 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। सीएम विंडो की सफलता से उत्साहित होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जनसंवाद पोर्टल की शुरुआत की है। जनता के साथ जो सरकार का एक संबंध आता है उसमें जनता की बात सरकार तक हर विभाग की या हर मंत्री के पास, हर विधायक के माध्यम से अथवा सीधी वो बात पहुंचे और पहुंचने के बाद उसके ऊपर कार्य भी हो, क्रियान्वित कैसे हो सकती हैं, चाहे उसकी समस्याएं, ग्रीवेंसीज हैं, कंप्लेंट्स हैं या उनकी कोई डिमांड्स हैं या उनके कुछ सुझाव हैं,
तो ऐसे किसी प्रकार का जो काम होता है सामान्यतया एक रूटीन बना हुआ है कि सब लोग आके बताते भी हैं और लिख करके वो कागज़ भी देते हैं। और मैं तो स्वयं आगे बढ़ के कहता हूँ कि कोई बात बतानी है तो कागज़ पर लिख करके दोगे तभी उसको कहीं ना कहीं आगे कर पाएंगे। केवल बता देंगे तो बताई हुई बातें बहुत ज़्यादा स्मरण में रहती नहीं है, फिर काम के प्रेशर के कारण से चीज़ें पिछली भूलती हैं, आगे आती चली जाती हैं। तो उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने वैसे तो पहले दिन से ही ये सारे काम शुरू किए। जब 2014 में 25 दिसंबर को हमने जो गुड गवर्नेंस डे मनाया था उसके अंदर सीएम विंडो ये शुरू किया था, और सीएम विंडो का जैसे आप इस पर भी देख ही रहे हैं कि 11,06,899 ये कंप्लेंट्स उस पर रिसीव हुई है, जिसमें 10,23,728 ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं। तो इस नाते से जो इन टाइम हुई वो 3,06,000 बताई जा रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जो प्रोसेस में टाइम लगता है वो भी रिजॉल्व हुई है लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। इसी प्रकार से दूसरा एक पोर्टल जनता के लिए वो दो बनाए थे, एक शहर के लिए अलग गाँव के लिए अलग। शहर का है नगर दर्शन, गाँव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गाँव का या शहर का अपने एरिए का जो नागरिक अपने ही वहाँ की कोई डिमांड है उसमें मेनली डिमांड्स हैं अपने विकास के काम के लिए, छोटी बड़ी कोई उसकी शिकायत होती है ये काम किया जाए ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका असेसमेंट एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल करा कर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले एक साल से हमने उसमें काफ़ी किया है, उस पर भी काफ़ी प्रगति हो रही है। लेकिन शुरू में चूँकि वो नया पोर्टल था तो उसमें विधायकों के और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी उसमें रोल था, तो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायतों के ग्राम पंचायत खुद अब आकर के बने हैं, केवल विधायक रिकमेंड करते थे, अब कोई भी चुनाव प्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड करके भेज सकता है और उस पर काम शुरू हुए हैं। और इसी प्रकार से अब ये आज जो ये पोर्टल शुरू कर रहे हैं, इस पिछले लगभग 4 महीने से मैंने जन संवाद के जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, पहले जिलानुसार कुछ स्थानों पर किए 3-4 जिलों में, जिले के सब लोग ऐसे कंप्लेंट्स वाले एक ही स्थान पर आते थे, 500 से लेके 800 तक ऐसे लोग आते थे, मिलते थे, अलग अलग ग्रुपों में बैठा करके उनकी बात हम सुनते थे, और जो लिखित कागज उनके होते थे वो फिर डीसी लेवल की जो चीज़ें हैं वही डिप्टी कमिश्नर उनको देते थे, वो इसको इस जन संवाद पोर्टल के ऊपर चढ़ाएंगे, और जो चंडीगढ़ के हमारे साथ होते थे डिपार्टमेंट के नाते से जो लेके आते थे उसको हम यहाँ चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का सारा कार्यक्रम हमने शुरू किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से अवगत करवा रहे हैं, और कहीं किसी योजना में कोई खामियां पाई जाती हैं तो मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। इस दौरान ग्रामीण भी खुलकर अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत करवा रहे हैं, जिसके निपटारे में जन संवाद पोर्टल बेहद मददगार साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि अब विपक्षी पार्टियां भी पोर्टल की सफलता का लोहा मानने लगी हैं। बाद में फिर अब गांव-गांव में जाने का जो कार्यक्रम किया है, हर जिले के लगभग 15 के आसपास गांव में मेरा जाना होता है 3 दिन लगातार। तो 3 दिन का जो मेरा अभी तक दौरा हुआ है, पहले भिवानी में हुआ, फिर पलवल में हुआ, फिर कुरुक्षेत्र में हुआ, और अब 13, 14, 15 में सिरसा जा रहा हूँ। तो इसमें भी हर गाँव में 200 से लेकर 400 तक लोग जो हैं अपनी चीज़ें जो हैं उनको बताते हैं। तो ऐसे कुल मिला करके हर दौरे में ये कोई 800, 1,000, 1,200 इतनी एप्लीकेशन और इतनी वो चीज़ें आती हैं, और ये सतत चलने वाला काम है। अब इसका मैकेनिज्म बनाना और मैकेनिज्म बना करके हर कागज़ के ऊपर उसको रिस्पोंड करना और हर कागज़ का संज्ञान लेकर के उसकी समस्या का हल करना, इसका एक सिस्टम बनाया है, और सिस्टम में से काफ़ी चीज़ें हल हो रही हैं ऐसा भी हमको लग रहा है। इस जनसंवाद पोर्टल को बनाते हुए जो इसका प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए कौन सा वर्जन होता है जो लॉन्च करने से पहले डेमो जो उसका वर्जन है उसको हमने चालू किया है, उस डेमो वर्जन में अभी तक 3,609 ऐसी एंट्रीज ये हो चुकी हैं। लेकिन अभी उसको मैंने भी लगातार उसको मैं रिव्यू भी करता हूँ, जो कुछ उसमें कमी दिखती है या जो उसका जो रूट जो उसका ड्राइव करना होता है उसकी ट्रैकिंग सिस्टम वो सारा बनवाया, ताकि नीचे के अधिकारी पर भी चीज़ अपने आप पहुँच जाए और वो उसको जिसको रिजॉल्व करना है जिसने ओन किया है उसको ओन करने के बाद टाइमलाइन वो बताते हैं कि इस काम में इतने दिन लगेंगे, और वो दिन उसमें चढ़ाता है, उतने दिन के बाद फिर उसकी जिम्मेदारी होती है उसको मैंने उसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं कि इतने दिन में हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसे पूछताछ होती है। तो ये सारा एक सिस्टम बना है, इस सिस्टम के माध्यम से गाँव की आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होंगी, उसके बताए हुए काम इसमें किसी भी प्रकार का काम आएगा
चाहे वो ग्रीवेंस हो, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो डिमांड हो, इवन ट्रांसफर्स की भी कई ऐसी एप्लीकेशन लोग दे देते हैं, वो हमारे ट्रांसफर डिपार्टमेंट को चली जाती है, वो उसका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के हिसाब से उसको उत्तर जाता भी ऑनलाइन है, और जो ऑनलाइन नहीं है मैनुअल ट्रांसफ़र है वो मैनुअल ट्रांसफ़र उसकी इच्छा के हिसाब से हम करते हैं। तो मोटे तौर पर पब्लिक यानी जो सिटीज़न सेंट्रिक ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं ताकि सिटीजन कोई भी बात अपने गांव में अपने घर में बैठे बैठे हमको भेजे और हम उसका काम करके उसके घर में उसको बता सकें। और मैं समझता हूं कि इतना जो एक विस्तृत ये जो सारी योजना बनाई है हरियाणा सरकार ने, इस प्रकार की योजना मुझे नहीं लगती किसी और सरकार की भी है। और इसमें से मुझे वो दिन याद है कि जब इसी फोर्थ फ्लोर के ऊपर 1996 से 98 तक जब हम सरकार में शामिल थे चौधरी बंसलाल जी की सरकार में, और ये फ्लोर भरा रहता था, और खास करके हमारे शिक्षा मंत्री जी का कमरा तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अगर हमें भी बात करनी होती थी तो घंटों लग जाते थे उनसे बात करने के लिए एक मिनट। लेकिन आज वो सब चीज़ों से मुक्त हम इसलिए हुए हैं कि ये व्यक्ति को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, उसका पैसा नहीं लगता, उसका समय नहीं लगता, और बात वही जो उसको 3 दिन 4 दिन में यहाँ आकर के वो बताता था वो 1 मिनट में अपनी बात हमको भेजता है। तो टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हम करके चीज़ों को कर रहे हैं, और इसका जो जनसंवाद के मेरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं जनता के 3-3 दिन के जिलानुसार, बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन इसके अंदर है। कई विषय और भी हैं इसके साथ सेटिस्फेक्शन के, लेकिन ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है जनता बहुत पसंद कर रही है। और जो हमारे विपक्षी साथी जो बार बार ये बोलते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल आएंगे तो ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब थोड़ी भाषा बदली है उनकी, उनकी भाषा कहती है जो उपयोगी पोर्टल है उनको छोड़ करके बाकी सब उनको हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई पोर्टल हमारा ऐसा नहीं है जो जनता के लिए उपयोगी ना हो, हर पोर्टल का उपयोग है, और एक ईज़ ऑफ लिविंग जिसको कहना चाहिए उस नाते से इन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कभी हमने टेक्नोलॉजी के ये चीज़ें पढ़ी नहीं, लेकिन अभ्यास से करते करते आज इतना विश्वास हो गया कि हम कोई भी चीज़ करते हैं जनता को 1 मिनट में बताते हैं। मैं हर शनिवार शाम को 5 बजे जनता के किसी एक वर्ग से, और उनकी संख्या 10 से 15 हज़ार होती है, ज़्यादा नहीं होती है, उन सबसे सीधा ऑडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उन सबसे अपनी बात करता हूँ, होता है एक ही वर्ग है, एक ही सेक्शन है, उससे बात करके और उसमें से 25-20-15-25 इतने लोगों से व्यक्तिगत बात भी करता हूँ, और उसमें से फील्ड में क्या कुछ चल रहा है सीधी बात हमको जानकारी आती है। और कई बार तो बैठे बैठे जो समस्या होती है उसका जो हल हमको सूझता है मैं तुरंत बताता हूँ, इसका ये हल है, इस हल को ऐसे करिए, जो अधिकारी होते हैं वो सब सुन रहे होते हैं उसको, संबंधित विभाग के अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर, सभी विधायक और सभी हमारे पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम जोड़ के रखते हैं, केवल उन्हें सुनना होता है, लेकिन जो जनता है जिसको संपर्क करना वो केवल 2-वे होते हैं, बाकी सब 1-वे होते हैं। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम आज लॉन्च किया है, इस अवसर पर मैं विभाग के सभी अधिकारी जो हैं हमारे उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की कि एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया। इसमें बाकी भी अगली जो हमारे फील्ड से ऐसे आएंगे कागज़ वो सब, और CM ऑफिस में या CM निवास पर और भी जो लोग आते हैं उनको भी सबको इसमें हम लोड करें। पहले CM विंडो और अब इसी की तर्ज पर जनसंवाद पोर्टल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश आवाम को एक बेहतर शासन देने की है, और पोर्टल इसमें काफी मददगार साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि गांव के विकास में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन काम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और इसके लिए कई ठोस निर्णय भी लिए गए हैं जिसका ग्रामीणों को लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। शहरों में बहने वाली विकास की बयार गांव से होकर गुजरती है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए कहते हैं कि गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ताकि हम सभी मिलकर गांवों में विकास की बयार बहा सकें। उद्देश्य जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गरीब की सहायता करके उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये हमारा फोकस है। महिलाओं के लिए भी हमने उनको सुरक्षित परिवेश ये मिलना चाहिए, साथ साथ उनकी आर्थिक सामाजिक रूप से भी उनको सशक्त बनाया जाए। पंचायती राज व्यवस्थाओं में उनको हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जिन्होंने 50% का प्रतिनिधित्व दिया है। हमारी पंचायतें ये इस महिलाओं के इस भागीदारी से बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। जैसा हम जानते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास करना संभव नहीं हो पाएगा, तो
तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर हरियाणा ने पूर्ण रूप से कई योजनाएं लागू की हैं। जैसा पैसा जो गांव के विकास का है वो सीधा गांव में भेजते हैं, वहां के सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के जो हमारे चेयरमैन अपने वहां प्रस्ताव पारित करके अपनी इच्छा से उस पैसे का उपयोग करेंगे, कोई उसमें बाधा नहीं आएगी। जो पहले ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी, अब चंडीगढ़ जाने की बजाय हर एक को अपना पूरा अधिकार है। एक शर्त जरूर रखी हमने कि ये सारे काम पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। बात विकास की हो रही है तो भला अन्नदाता को कैसे भुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अन्नदाता को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्राकृतिक आपदा से किसानों को राहत देने के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। 14 फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, हमने किसान भाइयों द्वारा जो उनका खून उनका जो पसीना बहाया जाता है, एक एक बूंद पसीने की वो इस प्रदेश के इस देश के निर्माण में काम आती है, तो उस प्रकार ऐसा काम करने वाले लोगों को कभी कभी प्राकृतिक आपदा को सहन करना पड़ता है। हमने उसके लिए राशि 12,000 रुपया प्रति एकड़ की बजाय ये 15,000 रुपया की है। 11 फसलें हम जो है MSP पर, 14 फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं और इससे भी किसानों को बहुत राहत मिली है। अभी कल ही हमने गन्ने के किसानों की मांग के ऊपर 10 रुपए की राशि बढ़ा करके और 372 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना ये खरीदा जाएगा, ऐसी भी हमने घोषणा की है। हरियाणा में नल जल योजना, स्वामित्व योजना जैसे कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिसका लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि ये सभी योजना बेहद सफल रही है। जल जीवन मिशन, हर घर में नल से जल पहुँचाने का काम ये हमने पूर्ण कर लिया है। कहीं भी दूध राज का भी गांव होगा, दूध राज का गांव में भी ये जल से नल से जल की योजना ये हमारी पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार लाल डोरा मुक्त करके हमने लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का हक दिलाया है। स्वामित्व योजना हमारी शुरू होने के बाद बल्कि देश भर में इस योजना को सराहा जा रहा है। अभी तक लगभग 24.5 लाख से अधिक परिवारों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व कार्ड ये मिल चुका है, ये भी बहुत बड़ी एक योजना की है। प्रदेश के विकास में उद्योग का बड़ा महत्व है, लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ब्लॉक लेवल पर छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग के नाते MSME का उद्योग कैसे फले फूले, इसकी भागीदारी कैसे बढ़े, हमने ब्लॉक के अनुसार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ये योजना शुरू की है, ताकि हर ब्लॉक में ऐसा एक मिनी क्लस्टर इंडस्ट्री का ये शुरू हो जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और कई हजार इसमें इंडस्ट्री जो है वो नई खुलेगी। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल प्रदेशवासियों को ये संकल्प दिलाने में जुटे हैं कि जो हमारे हक का है उसे हम छोड़ेंगे नहीं और जो हमारे हक का नहीं है उसे हम छीनेंगे नहीं। हमें केवल अपने विकास की बात तक सीमित नहीं रहना है बल्कि आगे के लिए भी कुछ संकल्प लेने होंगे, और यदि हम संकल्प लेकर के अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब हरियाणा देश में दुनिया में अपना स्थान ये ऊंचा करेगा, और हरियाणा का स्थान ऊंचा होने से हर हरियाणावासी उसको गौरव होगा, उसका सीना जो है वो चौड़ा होगा। अतः इस समय पर हमको संकल्प लेना होगा कि जो मेरे हक का है, क्योंकि हर व्यक्ति उसका अपना एक हक होता है, ये जो मेरे हक का है ये मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए मैं पात्र हूं, वो चीज मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही विचार करना होगा कि जिस चीज का मैं पात्र नहीं हूं, दूसरा कोई पात्र है ये उसको मिलना होगा, तो इसके लिए वही लूंगा जो मेरे हक का है। हम सरकार से भी, सरकार की योजनाओं को लेते समय सच बोलने का संकल्प लें, झूठ का सहारा नहीं लेना होगा, नहीं तो हम किसी और का हक मारेंगे, ये भी हमको विचार करके आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ आबादी से अपील है कि जैसे सरकार हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए काम कर रही है, वैसे ही समाज के हर नागरिक का ध्यान इस ओर केंद्रित होना चाहिए, तभी आने वाले दिनों में हरियाणा विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ पाएगा। तो आपने देखा
कैसे मनोहर सपने के साथ हरियाणा पिछले 8.5 सालों में तरक्की की राह पर है, जिसका हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिल रहा है और इसमें पोर्टल अहम भागीदारी निभा रहा है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।